आर योर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इम्प्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इम्प्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो. इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके. चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए, हम लोग यहाँ पे भी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, कई तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. वैसे इनको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे ब्रॉड वे में, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेथड्स कैच करने हैं, तो बस हम उतना ही कवर करने वाले हैं इस वक्त. तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. जैसा कि इसका नाम ही है कि केमिकल मेथड, मतलब इसमें किसी ना किसी केमिकल वे को यूज किया गया. पहला मेथड यूज किया जाएगा डबल डिकम्पोजिशन. डबल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं. डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हमने लिया यहां पर, तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S डाल दीजिए. तो ये आर्सेनिक का सॉल बना देगा, और साथ में यहां पर वाटर और सल्फर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड यहां पे सॉल प्रिपेयर हो जाएगा. आर्सेनिक सॉल प्लस वाटर, ठीक है. तो ये हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्व हो गया, ये हमने डबल डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर किया. सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कर दीजिए. ऑक्सीडेशन हमने यहां पर ऑक्सीडेशन के लिए लिया सल्फर डाइऑक्साइड में H2S डाल दिया. सल्फर डाइऑक्साइड में H2S डालेंगे तो ये हमें सल्फर प्लस वाटर देगा, ठीक है भाई. सल्फर यहां पर ऑक्सीडाइज होकर हमें सल्फर का सॉल्व दे रहा है, ठीक है. थर्ड मेथड है हमारे पास बाय रिडक्शन. इसमें हम लोग कोई भी गोल्ड का सॉल्ट बना लेते हैं, ऑरिक क्लोराइड. इसमें हमने फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया और साथ में हमने इसमें वाटर डाल दिया. इसको हमने रिड्यूस किया तो ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा किसमें, गोल्ड में, और फॉर्मिक एसिड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में. फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मिक एसिड में, और साथ में यहां पर क्या बनेगा, HCl. तो यहां पर गोल्ड का सॉल्ट बना है, यहां पर सल्फर का सॉल्ट है, यहां पर आर्सेनिक के सल्फाइड का सॉल्ट बन गया. तो ये हमारे पास थ्री मेथड्स हुए. फोर्थ मेथड वॉज हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस में कोई भी लाइक हमने एक मेटल का क्लोराइड लिया और इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो ये हमें क्या देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, और साथ में यहां पर हमें HCl मिलेगा. तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्व हो जाएगा. यहां पर हमारा रिक्वायर्ड सॉल्व ये है, यहां पर ये होगा, और यहां पर ये होगा. तो ये केमिकल मेथड से हमने यहां पर सॉल्व प्रिपेयर किया. गोल्ड के सॉल्व को क्या बोलते हैं, गोल के सॉल को हम लोग अर्गायरोल बोलते हैं. ARGYROL अर्गायरोल, सॉरी सिल्वर के सॉल को अर्गायरोल बोलते हैं, और गोल्ड के सॉल को पर्पल ऑफ काशियस बोलते हैं. चलिए, ये हमारे पास केमिकल मेथड था. नाउ केमिकल मेथड के बाद हम लोग सेकेंड मेथड लेंगे, ब्रेडिंग आर्क्स मेथड. ब्रेडिंग आर्क्स मेथड, उसको मैकेनिकल डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं. तो मैकेनिकल डिस्पर्जन या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन को इलेक्ट्रिकल वे में अगर किया जाए तो नेक्स्ट इज ब्रेडिंग आर्क मेथड. ब्रेडिंग आर्क मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उसमें यहां पर एक आइस पैक रहता है इस पूरी जगह पर, और यहां पर हम उस जिस मेटल का सॉल्व बनाना चाहते हैं उस मेटल को का यहां पर सोल्यूशन लेते हैं. लाइक हम गोल्ड का बनाना चाहते हैं, और यहां पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया. इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करेंगे तो यहां पर देखिए दो प्रोसेस एक साथ होंगे. अभी यहां पर क्या है, गोल्ड का सॉल्व डिस्पर्स है. अब उसके बाद हम इलेक्ट्रिक स्पार्क करेंगे, वही गोल्ड के पार्टिकल वेपराइज होंगे, वेपराइज होकर वापस वो कंडेंस होंगे. तो यानी यहां पर डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे. डिस्पर्जन होगा फिर कंडेंसेशन होगा. तो पहले गोल्ड के साथ यहां पर डिस्पर्स है, फिर डिस्पर्स के बाद वो कंडेंस होंगे. कंडेंस होकर वापस वो जब सोल्यूशन में आएंगे तो वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुके होंगे. तो इस तरह से हम यहां पर गोल्ड का सॉल्व प्रिपेयर कर लेते हैं. तो पहले हमने गोल्ड का यहां पे सॉल्यूशन लिया था और उसमें हमने हीट डाली. हीट से हमने उस गोल्ड के मेटल को क्या किया, वेपराइज कराया, वेपर करके वापस उनको कंडेंस कराया. वापस जब कंडेंस कराएंगे तो वो वहां पर जो कंडेंस होकर हमें मिलेगा वो गोल्ड का सॉल्व होगा, यानी गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन होगा. तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था, ब्रेडिंग आर्क मेथड. चलिए, इसके बाद थर्ड मेथड जो हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए हमेशा इसको, पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन. कोई भी फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मटेरियल होगा उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने
कि मेथड को हम लोग बोल रहे हैं पेप्टाइजेशन, और उस प्रोसेस के लिए हम एक स्पेसिफिक यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसको हम लोग कॉल करेंगे यहां पर पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर लिया आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाया था, लेकिन अगर इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को FeCl3 के साथ में शेक कर दिया जाए तो होगा क्या, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर यहां पर Fe+3 के आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इस ओवरऑल को हम लोग बोलेंगे यहां पर उस फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी मेटल के स्पेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस का हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर इसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट, तो ये शॉर्ट में याद रखिएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए किसके, कोलाइडल सोल्यूशन के। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हमारा है इसके बाद प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन को प्योरिफाई करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, एंड थर्ड वे इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, एक सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहां से कोलाइडल सोल्यूशन को प्योरिफाई करना है। तो किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन में बहुत सारे इंप्योरिटीज हो सकती है, इंप्योरिटीज कैसे हम लोग बोल सकते हैं, इंप्योरिटीज को आप कैसे समझते हैं, इंप्योरिटीज को बहुत तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी आपके सामने फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड का हमने कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कराया था, बट वहां पे हमने Fe+3 उसके ऊपर चार्ज के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे एक्सेस में प्रेजेंट होगा, कौन, Cl3 प्रेजेंट होगा, जो वहां पर Cl आयन प्रेजेंट होंगे, वो हमारे लिए वो क्या है, वो इंप्योरिटी है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो उसको रिमूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन करना होगा। तो प्योरिफिकेशन में डायलिसिस में क्या करते हैं, जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें हम लोग वो सॉल्यूशंस फिल कर लेते हैं जिसका हमें प्योरीफाई करना होता है। फिर यहां पर एक हमने यहां पे क्या ले लिया, एक मेम्ब्रेन ले लिया है, ये मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग यहां से क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस में से जितनी इंप्योरिटी है उसको इस मेम्ब्रेन से पास करके इधर कलेक्ट करके अलग कर लेंगे, बाकी का कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। अब ये प्रोसेस वैसे काफी स्लो होता है, तो इसमें क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग सब कुछ वैसे ही रखते हैं, बस खाली साइड में इधर से क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हमारा कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पास नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसके बाद थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जैसा कि नाम में लिखा अल्ट्रा, यानी एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को पहले हम एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके थ्रू उसमें से इंप्योरिटीज को हम उसमें से क्लीन करके, और जो उसमें उसमें से पास नहीं हो सकती उनको उसमें रिमूव करके रिमेन हम अपना कोलाइडल सोल्यूशन को प्योरीफाई कर लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोलाइडियन, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलाइडियन सोल्यूशन के साथ में हम लोग एक नॉर्मल फिल्टर पर लिया, उसको कोलाइडियन सॉल्यूशन में डाला, क्लीन किया, ड्राई किया, और ड्राई करके हम उसको यूज करते हैं, उसी को हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कोलाइडियन सॉल्यूशन, तो कोलाइडियन सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, कोलाइडियन सॉल्यूशन इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज, कोलाइडियन सॉल्यूशन इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज। ठीक है, उसमें आप उसको डिप करेंगे किसको, नॉर्मल फिल्टर पेपर को, ड्राई करेंगे, और आपको जो मिलेगा वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, उसकी हेल्प से हम वहां पे इजिली अपने नॉर्मल कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। वैसे ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंपेयर करें तो हम इसको अच्छे समझ सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होंगे, और अगर आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन को देखेंगे इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है एक यूनिट वॉल्यूम में, कंपैरेटिवली ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कंपैरेटिवली लेस होंगे, उससे क्या होगा वहां पे, उसकी वजह से वहां पे उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएंगी। तो एक ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में
एक कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेसर होती हैं, कम होती हैं। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उनकी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये सब डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, और वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होते हैं किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में, एज कंपेयर टू दी ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है टिंडल इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट को अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें, सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करना चाहें, इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे, तो वो लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से देखने पर वो हमें कलर शो करता है। वो कलर क्यों आया? वाया ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो कलर हमें क्यों मिलेगा? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग नाम दिया हुआ हमने टिंडल इफेक्ट। इसको आपने बहुत सारा आपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया हुआ, एक डार्क रूम में कहीं पे एक फाइन होल हो और वहां से सनलाइट आ रही हो, आप आसानी से देख सकते हैं वहां पे आपको डर्ट, वहां रूम के अंदर डस्ट के पार्टिकल इधर उधर मूव करते दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? एक्चुअली ये टिंडल इफेक्ट है। आपने कभी भी सिनेमा हॉल में देखा है, थिएटर्स में, वहां से बैक साइड से प्रोजेक्टर जब लाइट अपनी थ्रो करता है तो वहां से प्रोजेक्ट करता है, तो वो आपको पूरा पाथ विजिबल होता है। वो पाथ विजिबल क्यों है? वाया टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट होने के लिए, जैसे एक नॉर्मल कंडीशन में बताया जाए कि यहां पर एक सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन यहां पे फिल किया गया है, यहां से आपने लाइट पास की है, यहां से आपने लाइट को पास किया हुआ है। लाइट को जब पास करते हैं तो यहां पर होता क्या है, इस तरह से एक यहां पर कोन क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल कोन। और इसमें दो डायरेक्शन होती है ऑब्जर्वेशन की, एक तो होता है अलोंग द लाइट और एक होता है 90 डिग्री के एंगल पे लाइट के, लाइट के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे। अगर आप अलोंग द लाइट देखेंगे तो आपको वहां पे डार्क दिखेगा, कोई भी कलर वगैरह कुछ विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे देखेंगे तो ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अलग अलग कलर शो करेगा। जैसे मैं मिल्क का एग्जाम्पल लेता हूं, मिल्क के केस में ये ब्लूइश कलर के टिंडल कोन आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, हर जगह पे इसके अलग अलग कलर हो सकते हैं। गोल्ड के केस में ये रेड होता है, तो हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको एक अलग कलर का लाइट दिखाई पड़ेगा, किसका? इस टिंडल कोन का। अब वो टिंडल उसी को हम लोग बोलते हैं, उस लाइट को ही जो अपीयर हो रही होती है उसी को हम बोल रहे होते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब चलिए कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिंडल इफेक्ट की कंडीशंस अगर आप लिखना चाहें तो उसमें मेनली दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल की जो डायमीटर है विच शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन एज कंपेयर टू द लाइट इंसिडेंट। जो भी लाइट यहां पर डाली गई है उसकी वेवलेंथ और पार्टिकल की डायमीटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, उन दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अगर उन दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस है तो टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगा। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको सीधे कंडीशन पूछे व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, आउट ऑफ दीज टू कोई एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दे सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन लिख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन इज साइज ऑफ डिस्पर्स, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट शुड बी क्लोजर। ठीक है, और दूसरा होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन में डीपी और डीएम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच कर रही है तो फिर वहां पे कोलाइडल टिंडल इफेक्ट होगा, आपको वहां पे वो ऑब्जर्व भी होगा। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इसको आप सॉरी इंपॉर्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी थी, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इज व्हाट? जिगजैग रैंडम मोशन, zigzag random motion of colloidal particle is known as Brownian motion। आपने बहुत बार देखा, आपने वही जो मैंने सनलाइट वाला एग्जाम्पल देखा, प्रोजेक्शन वाला एग्जाम्पल दिया, आपने देखे जो आपको पाथ विजिबल होता है उसमें पार्टिकल आपको कंटिन्यूअसली मूव करते दिख रहे हैं, वो मूवमेंट क्यों है? वो मूवमेंट ड्यू टू दी ब्राउनियन मोशन है, वो मूवमेंट ड्यू टू दी ब्राउनियन मोशन होता है, उसी को हम लोग ब्राउनियन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे उसी ब्राउनियन मोशन की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। अगर ये ब्राउनियन मोशन वहां पे नहीं हो रहा होता, कोलाइडल सॉल्यूशन कभी भी स्टेबल नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाता। लेकिन कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन सेटल नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, यानी वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ब्राउनियन मोशन का काम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करना। ठीक है भाई, ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी।
फोर्थ होता है कलर, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ी है और उसने जो उस लाइट को स्कैटर किया है, तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा उस कलर के सॉल्यूशन का। यानी लाइट इंसिडेंट हुई, उसने किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व किया, जैसी लाइट एब्जॉर्व करेगा वैसा आपको अकॉर्डिंगली कलर वहां पर शो करेगा। उसके बाद आता है चार्ज, कलर के बाद आता है चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने एग्जांपल लिया था, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हमने के आई एक्सेस में डाल दिया तो होगा क्या, ये दोनों पहले रिएक्ट करेंगे और यहां पर क्या फॉर्म करेंगे, एजीआई का प्रेसिपिटेट। आपके पास एजीआई का प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख रहे थे, हमारा चार्ज। चार्ज कैसे भी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का हमें चार्ज देखना था, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि AgNO3 में हमने Ki डाला एक्सिस में, तो हमें क्या मिलेगा, AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो AgI का यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस AgI के सॉल्यूशन के ऊपर, साथ में यहाँ पे एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, आई माइनस, तो वो आई माइनस इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो भी उसमें कॉमन आयन था इस एक्सिस वाले रीजेंट और प्रेसिपिटेट के बीच में जो कॉमन आयन है, जो भी कॉमन आयन होगा वो यहां पर इसके ऊपर इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा और ये हमें यहां पर दिखाई पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर यहां पर अगर हमने दूसरा केस बना लिया, उसमें हमने कहा कि AgNO3 में इसको एक्सिस में ले लिया है हमने और हमने उसमें क्या डाल दिया है Ki, तो हमें फिर से प्रेसिपिटेट मिलेगा AgI का, बट इस बार डिफरेंस क्या होगा कि इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, Ag+। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन मिलेगा। ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब ये एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व की तरह वर्क करेगा और ये एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्व की तरह वर्क करेगा। इस तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ज पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें होता क्या, जब ये चार्ज क्रिएट होता है प्लस चार्ज, तो यहां पर देखिए ये एक्सेस में आई माइनस यहां पे आया और उसके साथ में वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, उसके साथ ही में वहां पर प्रेजेंट होगा के प्लस, वो भी तो इसके नियर बाय ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ऐसे ही यहां पर वो कौन का क्या कलेक्ट हो जाएगा, Ag प्लस कलेक्ट हो जाएगा, सॉरी NO3 माइनस कलेक्ट हो जाएगा, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कि डबल लेयर क्रिएट हो गई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेलमोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, हेलमोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इसमें से इसको बोला जाता है, इस वाले को बोला जाता है डिफ्यूज लेयर, ये जो डॉट लाइन से यहां पे बनाया गया इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, और इसको बोलते हैं फिक्स लेयर, जो हमने ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं फिक्स लेयर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, फिक्स लेयर डिफ्यूज लेयर, ठीक है भाई, फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, और इसको बोलते हैं कंबाइनली बोलते हैं हेलमोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल, उसी को क्या बोला जाता है, जीटा पोटेंशियल, ठीक है, फोर पाई ईटा यू बाई डी, ये होता है जीटा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहां पर ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम, यू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, जो भी यहां पे चार्ज मूव कर रहे हैं, और डी किस चीज, डी क्या हो जाएगा यहां पर, डी इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सोल्यूशन, जो भी वहां पर यूज किया जा रहा है उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा ये। तो ये हमारा जीटा पोटेंशियल क्रिएट होगा जैसे चार्ज होगा। तो यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है, फिक्स लेयर डिफ्यूज लेयर, और उन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीटा पोटेंशियल। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई चार्ज। चार्ज के बाद हमारे पास अब आता है इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज के बाद होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक यूट्यूब लिया और इसमें हमने यहां पर क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और यहां पर हमने क्या फिल कर दिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको पता है कि हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन आइदर पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज। तो अगर वो एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो किधर डिपॉजिट हो जाएगा, इधर उसके पार्टिकल्स
सीधे डिपॉजिट होने की टेंडेंसी रखेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है भाई, तो ये सब हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद कोगुलेशन. कोलाइडल सॉल्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज कोगुलेशन. कोगुलेशन और फ्लॉक्युलेशन. कोगुलेशन कोगुलेशन और फ्लॉक्युलेशन. इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इट इज अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं. पेप्टाइजेशन में क्या था कि आपके पास एक कोई भी कोलाइडल एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आएगा, उसमें आप एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं. ऐड करने के बाद वो एक कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा था. ठीक है, अब उसी जगह पर उसको हम रिवर्स बोल रहे हैं. अब उस कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास है और बाहर से हमने कोई ऐसा एजेंट ऐड किया जो उसमें से जो भी उसके ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाता है एक बार हम लोग फिर से देखते हैं. जैसे हमने यहां पर AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था और इधर हमने Ag+ यानी एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन. दिस इज अवर ओवरऑल कोलाइडल सॉल्यूशन. अभी ये कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, अगर हम चाहते हैं कि इसका कोलाइडल सॉल्यूशन ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोगुलेशन. और उसके लिए हम जो रीजेंट यूज करेंगे उसको बोलेंगे कोगुलेटिंग एजेंट या फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट. तो उसके लिए कोई ऐसा रीजेंट यूज करेंगे जिसके पास कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, अपोजिट टू द चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ज होगा उसके अपोजिट चार्ज को हम इधर अप्लाई करेंगे. क्लियर भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट चार्ज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे. तो यहां पर होगा क्या, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहां से इस निगेटिव चार्ज को यहां से पुल करके निकाल देगा और आपके पास वापस क्या फ्री होके मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट. इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन. और इस प्रोसेस में जो भी चार्ज या इलेक्ट्रोलाइट यहां पर हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट. और उसकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन. उस आयन या कोगुलेटिंग एजेंट के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, सॉरी कोगुलेटिंग पावर होगी. लेकिन उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू बहुत कम होगी. कोगुलेटिंग वैल्यू से मेरा मतलब उसका अमाउंट हमें बहुत कम लेना होगा. बहुत कम अमाउंट पर भी वो बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन उसका कोगुलेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगा. तो यहां पर दो टर्म आएंगे, एक तो कोगुलेटिंग पावर, दूसरा कोगुलेटिंग वैल्यू. कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. कोगुलेटिंग पावर अगर ज्यादा है तो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू कम है तो उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी. तो किसी भी आपके इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट रूल है, हार्डी शुल्जे रूल. हार्डी शुल्जे ने हमें क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड की कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोगुलेटिंग वैल्यू. कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. अब एक एग्जांपल से इसको और अच्छे समझते हैं. जैसे यहां पर आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें इसको आप प्रेसिपिटेट में वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कोगुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पॉसिबल रिएजेंट है FeCN6 4-. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारे पास फॉस्फेट PO4 3-, सल्फेट SO4 2-, एंड क्लोराइड. ये हमने चार आपको पॉसिबल कोगुलेटिंग एजेंट दिए. इनमें से बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट कौन होगा अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्जे रूल, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है यानी FeCN6 4-. सेम ऐसे ही अगर निगेटिवली चार्ज अगर आपका होता तो उसमें भी हमारे लिए बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट कौन होता, जो जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा होता. ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करा सकते हैं. तो इतना सब कुछ हमें स्टडी करना था किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में. तो आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए. अब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की कोगुलेटिंग पावर कैसे मेजर होती है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की कोगुलेटिंग पावर मेजर की जाती है मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर. तो गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर एक मीजर है इनकी कोगुलेटिंग पावर का. किसी भी कंपाउंड का गोल्ड नंबर कितना भी कम, जितना कम होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी. यानी कोगुलेटिंग पावर एक्चुअली ये जो गोल्ड नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा. कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी यानी गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना ही वो हाईली कोगुलेटेड होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की कोगुलेटिंग पावर को भी चेक कर सकते हैं.
अच्छा किसी भी, आपको पता है क्लोराइड सॉल्यूशन आपने शुरू में देखा दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक तो स्टेबल होते हैं बट लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं। तो लायोफोबिक अगर अनस्टेबल है तो उनको स्टेबल करने के लिए उनके ऊपर क्या करेंगे, लायोफिलिक से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं उसको। तो उसको लायोफिलिक, कौन सा लायोफिलिक क्लोराइड उसके लिए बेटर होगा, जितना उसकी गोल्ड नंबर जितनी कम होगी। तो ऐसा क्लोराइडल सॉल्यूशन जिसकी गोल्ड नंबर बहुत कम है वो एक दूसरे लायोफोबिक क्लोराइड्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करेगा, प्रोटेक्टिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए तो हमारा अभी कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको ये चीज एक ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, जैसे ही आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट होता है आपको एनसीईआरटी ओपन करना है और एनसीईआरटी के लास्ट में यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एडसॉर्प्शन थ्योरी दिया हुआ है, वो सब आपको अच्छे से रीड करना है। चैप्टर की समरी भी आपको दी हुई है, वो भी आपको अच्छे से रीड करना है बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक यूजेस या एप्लीकेशन बेस्ड दे दिया जाए तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट क्वेश्चन होगा और आपके लिए स्कोरिंग भी हो सकता है। अच्छे से आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक की आपके रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि मेंस से पहले आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए किसी चैप्टर का, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन या लिंक में जाके कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बता सकते हैं कि किस चैप्टर का आप रिवीजन करवाना चाहते हैं या किसी चैप्टर का आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चाहिए, वो सारी चीजें आप हमें कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।